अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। सो जी तो अज जो लेक्चर होंगे वो होंगे असो चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट कस। चैप्टर नंबर जो थ्री आ मुस्तबिल कहते फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अस कस तो फैक्टर्स हों के चवे फैक्टर्स फैक्टर जो मतलब हों। तो अगर मैं चवान तो लेट सपोज के भी नंबर इन लेट 35 जो नंबर आ प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 5। अगर एक हिसाब से ऐसा 35 जो वो प्रोडक्ट आ कें 7 एंड 5 जो पर 7 के अगर जो मल्टीप्लाई क्या 5 से रिजल्ट 35 रिजल्ट 35। तो 7 एंड 5 जो ये बई फैक्टर्स केंजा दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 35। ये बई फैक्टर्स हों के 35 जहाँ मतलब जिन भी नंबर की का भी प्रोडक्ट अचे उ नंबर हों फैक्टर्स हों उन प्रोडक्ट वे नंबर जहाँ। तो इन जी फैक्टर्स की डेफिनेशन होंगी तो फैक्टर्स की जो डेफिनेशन होंगी अ नंबर विच डिवाइड्स द अनदर नंबर एंड अदर नंबर मतलब डिवाइड डन एंड अदर नंबर डिवाइड डन कंप्लीटली विदाउट लीविंग जी रिमाइंडर। कें भी नंबर के कें बे नंबर से अगर डिवाइड क्यों एंसर जो रिमाइंडर अचे वो रिमाइंडर अचे असो जीरो अचे तो वो जे नंबर से डिवाइड क्या वो नंबर से रिजल्ट हों हों फैक्टर्स हों के उन नंबर जहाँ। तो जी 35 है 35 के जो 5 से 35 के डिवाइड क्या कैसा 5 से डिवाइड क्या तो 7 की टेबल लगनी 7 5 से 35 रिमाइंडर जो है जीरो आयो तो 7 एंड 5 हों वो बई हों फैक्टर्स हों के 35 जहाँ। ये बई हों फैक्टर्स हों 35 जहाँ। फैक्टर्स के अंदर अस एक बी कंडीशन इंदी को भी नंबर आ जैसे 1 से डिवाइड क्या तो रिजल्ट सागो ही तो 1 हों 1 भी फैक्टर हों हर एक नंबर जो उन गडो गड जो नंबर पान हों वो भी हों फैक्टर हों के उन नंबर जो मतलब जहाँ कंडीशन होंगी 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर हर एक नंबर हों वो 1 फैक्टर हों। बी कंडीशन होंगी असानी एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ मतलब हर एक नंबर जो हों वो पाँ पान भी फैक्टर हों मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ तो हर एक नंबर जो हों पाँ पान भी हों फैक्टर हों पो। उनका अलावा जो मूट का फॉर एग्जाम्पल 38 दिए तो 38 जहाँ फैक्टर बता तो 38 जहाँ फैक्टर्स हों तो एक हिसाब से ऐसा 38 के टेबल कें लगे एक 2 जी थी लगे बो 19 जी थी लगे बो 1 जी थी लगे मतलब 1 1 1 2 19 38 मतलब पाँच पान भी लगे थी मतलब इन नंबर की जो है टेबल लगे थी 38 की तो ये नंबर जो हों हों फैक्टर्स हों के 38 जहाँ। कदें कदें अस 38 के ये भी लिखा 1 × 2 × 19 तो ये जो नंबर हों ये हों फैक्टर्स हों के 38 जहाँ। 38 छो ना लिखूँ छो जो इतने 38 के अगर मल्टीप्लाई क्या रिजल्ट 38 ना बाकी एक हिसाब से टेबल के हिसाब से ऐसूँ तो फैक्टर्स कड़ा कड़ा नंबर डिजिट फैक्टर्स थी तो सके तो 1, 2, 19 एंड 38 भी फैक्टर्स थी तो सके। तो ये जो हों फैक्टर्स के हिसाब से हों
कें भी नंबर जहाँ केतरा असा फैक्टर्स निकरी सकन था। उन अस नंबर टेस्ट डिविजिबिलिटी टॉपिक होंगी असि कड़ी टेस्ट टेस्ट डिविजिबिलिटी। टेस्ट डिविजिबिलिटी मतलब कें भी नंबर के कें बे नंबर से कें खबर पे तो इन डिजिट के असि टेबल लगे थी या न थी लगे। जी अस डिजिट आए डिविजिबल बाय टू आ टू से अस खबर पे तो टू से असो वो नंबर डिविजिबल या न टू से डिविजिबल कर खपे तो को भी डिजिट दे तो असके उन डिजिट के असें डायरेक्टली बुदायूँ तो ये टू से डिवाइड थो या न टू से डिवाइड किएं कड़े हिसाब से इफ इन द यूनिट प्लेस द नंबर्स आर जीरो टू फोर सिक्स एट जैसे कें भी डिजिट मुझे द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ये तो ये भी लिखी था सकूँ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस कें भी डिजिट के यूनिट प्लेस में जैसे नंबर्स कड़ा हुआ खपन जीरो टू फोर सिक्स एट जैसे इन को भी एक नंबर यूनिट प्लेस में आए तो वो डिजिट जो हों वो असो डिवाइड थी वो कैसा टू से ईजीली डिवाइड थी वो डिजिट टू से ईजीली डिवाइड थी वो जैसे मुझे तो फॉर एग्जाम्पल एट सैवन फोर जीरो यो डिजिट आ चाहे यो टू से डिवाइड थी हाँ छो जो हाँ ऐसो इतने यूनिट प्लेस में जीरो आ जीरो आ तो टू से डिवाइड थे जैसे इन हिसाब से सैवन वन फोर वन हाँ ऐसो चाह यो डिजिट असो टू से डिवाइड थो अस चवना न छो न इन करे जो जो इन यूनिट प्लेस में असो को भी इवन नंबर ना आए मतलब जीरो भी ना फोर टू फोर सिक्स एट इन को भी डिजिट इन यूनिट प्लेस में ना तो यो असो टू से डिवाइड न थो यूनिट प्लेस में जीरो टू फोर सिक्स एट इन चार पंज डिजिट में को भी एक डिजिट यूनिट प्लेस में अची वे तो वो नंबर शा हों असो टू से ईजीली डिवाइड थी वो टू से ईजीली डिवाइड थी वो उन डिविजिबल बाय थ्री थ्री से किए खबर पे कें भी डिजिट के थ्री से अस डिवाइड ईजीली कर सकूँ था या ना द थ्री से डिवाइड करने लाइ असा कंडीशन चाह हूँ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री मतलब कें भी लार्जेस्ट डिजिट के कि डिवाइड क्यों ईजीली अस खबर पे तो यो थ्री से डिवाइड थो या न थो मतलब द सम ऑफ ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाय थ्री मतलब को भी डिजिट दे तो उनके उनके नंबर के पान में समअप क्यों जो रिजल्ट अचे जो रिजल्ट अस थ्री से डिवाइड थी तो वे तो वो डिजिट जो हों डिवाइड थी वो कैसा थ्री से जो फॉर एग्जाम्पल आ फोर सैवन वन जीरो हाँ अस खबर पे तो यो थ्री से डिवाइड थो या न थो हाँ इनके डिजिटन कड़ा कड़ा डिजिटन एक फोर बो सैवन बो वन आ बो जीरो जैसे इनके समअप क्यों पा में तो फोर सैवन इलेवन इलेवन वन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर जीरो तो ट्वेल्व अची वो चार थ्री की टेबल ट्वेल्व तो इंदी हाँ जैसे ट्वेल्व के डिवाइड क्या थ्री से तो रिजल्ट फोर मतलब थ्री की टेबल ट्वेल्व से वे थी मतलब यो नंबर जो हों डिवाइड थी वो कैसा यो नंबर जो हों डिवाइड थी वो कैसा थ्री से मतलब कड़ा भी नंबर हुए कड़ो भी डिजिट हुए चाहे लार्जेस्ट हो हंड्रेड में थाउजेंड में हो टेन थाउजेंड के हिसाब से डिजिट मिले हुए जैसे उनके हर एक डिजिट के हर एक डिजिट प्लेस की प्लेस वैल्यू के पान में समअप क्यों ए रिजल्ट जो अचे वो भी डिवाइड थी वे कैसा थ्री से तो वो सजो डिजिट जो हों डिवाइड थी वो कैसा
थ्री सा सजो डिजिट जो होंगे डिवाइड थी वो कैसा थ्री सा डिवाइड थी वो उन नंबर फोर डिवाइड बाय फोर जो मतलब हों कें भी डिजिट के अंदर मतलब दस नंबर फाउंड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ फोर मतलब द नंबर फाउंड बाय लास्ट टू डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ फोर मतलब कें भी डिजिट के आखिर में लास्ट में अचे फोर जो मल्टीपल फोर जो मल्टीपल जो मतलब हों डिविजिबल बाय फोर जैसे फोर की टेबल उन लास्ट बिन नंबर से लगे थी तो उन सजे नंबर के फोर से डिवाइड कर सकता जी अस नंबर 8746072 हाँ ऐसा 72 72 से असि फोर की टेबल वे थी हाँ ऐसा 72 का तो 72 के फोर से डिवाइड कर फोर की टेबल वन टाइम थ्री बजे टू ला 32 32 से घर टाइम इंदी 8 टाइम 84 था 32 जीरो मतलब 72 के फोर इजीली डिवाइड थे तो मतलब 72 मल्टीपल आ कें फोर जो मल्टीपल आए मतलब यो लास्ट ब डिजिट जो उ डिवाइड थी वन कैंसा फोर से थन था तो यो सजो जो नंबर हों वो डिवाइड थी वो कैंसा फोर से यो सजो जो नंबर हों वो डिवाइड थी वो असो कैंसा फोर से डिवाइड थी वो उन चे तो फाइव डन द नंबर हैज एंड विथ जीरो आर फाइव बता छा चाहूँ कें भी नंबर जे एंड में छा हो जे जीरो हो जे या फाइव हो जे तो वो नंबर छा थी वो डिवाइड थी वो कैसा फाइव से मतलब इन जगह अस ये भी लिखी था सकूँ द डिजिट इन द यूनिट प्लस हैव द नंबर जीरो आर फाइव जीरो या फाइव हो कें भी नंबर की यूनिट प्लस में तो वो नंबर जो हों वो फाइव से डिवाइड थी वो नंबर जो हों फाइव से डिवाइड थी वो तो यो असो फाइव नंबर तो जैसे कें भी नंबर के फाइव से डिवाइड क्यों तो असें कें खबर पे तो ईजीली अस नंबर के फाइव से डिवाइड कर सकूँ था या ना कर सकूँ मतलब ये यूनिट प्लस ये 7564320 यूनिट प्लस में जीरो आ फाइव से डिवाइड थी जैसे इतने फाइव अची वे यूनिट प्लस में फाइव आ तभी यो डिजिट हों फाइव से डिवाइड थी वो मतलब यूनिट प्लस में जो अचे वो अचे जीरो हो या फाइव हो तो वो जो नंबर हों वो जीरो फाइव से डिवाइड थी वो उन डिविजिबल बाय सिक्स डिविजिबल बाय सिक्स जो मतलब हों द नंबर इज डिवाइडेड बाय टू एंड द सम ऑफ द डिजिट इज फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब जो वो नंबर जो टू से भी डिवाइड थी वे थ्री से भी डिवाइड थी वे तो वो नंबर जो हों वो सिक्स से असो इजीली डिवाइड थी वो मतलब द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू एंड सम ऑफ द डिजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब वो डिजिट जैसे टू से डिवाइड क्यों उन हर एक डिजिट के सम करे जो मल्टीपल ऑफ थ्री थे तो वो जो डिजिट हों वो सिक्स से असो इजीली डिवाइड थी वो फॉर एग्जाम्पल
जी असाट दे तो फॉर एग्जाम्पल दूस सेवन एट जीरो फॉर सपोज के सेवन एट जीरो आ यो नंबर आ जीरो लास्ट में मतलब टू से डिवाइड थी ठीक है उनका ऐसूँ मल्टीप्लाई थी थे इनके सम कर सेवन प्लस एट फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस जीरो तो फिफ्टीन अच्छी फिफ्टीन से मल्टीप्लाई थी है और थ्री जी टेबल लगे थी पान थ्री थ्री जी टेबल वन टाइम थे फाइव टाइम मतलब फाइव टाइम लगी मतलब मल्टीप्लाई फिफ्टीन भी थी है मतलब इन थ्री जी बी टेबल लगंदी तो टू जी बी टेबल लगंदी तो यो नंबर जो हों वो सिक्स से भी डिवाइड थी सिक्स से क्या थी हाँ ोस सिक्स से डिवाइड कियोस तो सिक्स जी टेबल वन टाइम सिक्स वन बचो एट लाठस एटीन से थ्री टाइम एटीन जीरो बचो लाठा जीरो जीरो से कौन थी लगे मत जीरो मतलब एंसर वन रिमाइंडर आई जीरो आई मतलब सिक्स से भी डिवाइड थी तो यो नंबर असो मल्टीपल डिविजिबल बाय सिक्स हाँ डिविजिबल बाय सिक्स जो मतलब हों वो नंबर इजीली अगर जैसे चवं तो वो नंबर जो टू ए थ्री था बिन्हीं से डिवाइड थी वे तो वो नंबर सिक्स से असो डिवाइड थी वो नंबर असो सिक्स से डिवाइड थी उन डिविजिबल आए एट एट से डिविजिबल क्यों तो असें क्या खबर पे तो एट से वो नंबर असो डिवाइड थी या न थी हाँ एट से क्या खबर पे द नंबर फाउंड बाय द लास्ट थ्री डिजिट मतलब फोर में पढ़ोस लास्ट टू डिजिट हाँ एट में पढ़ा लास्ट थ्री डिजिट मतलब द नंबर फाउंड बाय बाय लास्ट थ्री डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ एट मतलब आखिरी जो टे नंबर हुजन जो उन टिन्ही नंबर से असि एट जी टेबल लगे थी तो उन सजे नंबर के अस एट जी टेबल लगंदी जी अस सेवन नाइन फोर थ्री टू वन एट वन सिक्स हाँ लास्ट जो टे ो इन एट जी टेबल लगे थी ऐसू एट जी टेबल वन टाइम जीरो बचो लाठा वन टेबल नी लगे जीरो दींदा लाइंदा सिक्स टेबल सिक्सटीन से टू टाइम सिक्सटीन टेन से रिमाइंडर आई जीरो मतलब एट जी टेबल लगे थी कें लास्ट थ्री डिजिट तो इन सजे नंबर के असो एट डिवाइड कलो इन सजे नंबर के असो एट डिवाइड कलो मतलब असा लास्ट टे डिजिट है ना जो इन लास्ट थ्री डिजिट से असि एट जी टेबल लगंदी तो समझो सजे नंबर से अस एट जी टेबल लगंदी उन डिजिट आए असो नाइन नाइन नंबर डिजिट नाइन में असें क्या खबर पे तो नाइन की मल्टीप्लाई या ना मतलब नाइन में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फॉर्म्स इज मल्टीप्लाई ऑफ नाइन हाँ जी थ्री के अंदर पढ़ोस तो हर एक डिजिट के सम क्यों जो डिविजिबल बाय थे थ्री से वो नंबर थ्री जो डिविजिबल नाइन में भी इं ही सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय नाइन मतलब केडो भी वो नंबर हो जैसे उनके हर एक डिजिट के समअप क्यों जो रेंसर अचे वो भी डिविजिबल बाय थे कैंसा नाइन से तो वो सजो नंबर डिविजिबल कहो नाइन से मतलब द सम ऑफ आर बाय नाइन जैसे कें भी वे डिजिट जो सम क्यों वो एंसर जो अचे उन एंसर के डिविजिबल क्यों नाइन से तो वो सजो नंबर नाइन जो डिवाइड जी फॉर एग्जाम्पल सेवन वन फोर थ्री टू वन हाँ ऐसा जैसे इनके जोर क्यों सेवन प्लस वन एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन सेवनटीन प्लस वन एटीन एटीन एंसर है नाइन जी टेबल एटीन थी लगे थी टू टाइम
मतलब 18 डिविजिबल थी वो 9 था मतलब चाहे सजो नंबर जो हों वो डिविजिबल थी वो केंो 9 जो वो सजो नंबर चाहे डिविजिबल थी वो केंसा 9 सा डिविजिबल थी वो उन डिविजिबल बाय 10 10 तो अस इजीली आ 10 में चाहे द डिजिट इन द यूनिट प्लेस हैज द जीरो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस हैज द जीरो मतलब कें भी डिजिट के यूनिट प्लेस में जीरो अचे तो वो असन चा 10 सा डिवाइड थी फॉर एग्जांपल जी अस 7 8 9 6 4 3 2 0 यूनिट प्लेस में चा जीरो आ तो मतलब चा 10 सा डिवाइड थी यूनिट प्लेस में चा अचन खपे जीरो अचन खपे उन का बो डिविजिबल बाय 11 11 डिविजिबल किए थिनो के हिसाब से थिनो केरे के तरीके से थिनो मतलब चा द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट्स मतलब चा द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डी अल्टरनेटिव डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ इज जीरो आर मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 मतलब छा को भी डिजिट आ उन अल्टरनेटिव डिजिट खी उन सम क्यों उन पान में डिफरेंस कदूँ डिफरेंस कटने का एंसर अचे वो अचे जीरो अचे या मल्टीपल ऑफ 11 अचे मल्टीपल ऑफ 11 जो मतलब 11 की जैसे टेबल लगे तो वो डिजिट जो वो असो 11 से असो डिवाइड थी जी अस दे तो फॉर एग्जाम्पल वन टू वन छा 11 अल्टरनेटिव छा इनजो अल्टरनेटिव है या इन बिन्हीं के सम किया 1+1 ए बो अल्टरनेटिव 2 2-2 रिजल्ट छा 0 मतलब आंसर 0 आयो तो यो जो डिजिट हों 121 यो अस डिवाइड थी वो कें 11 से डिवाइड थी वो यो कें डिवाइड थी 11 से डिवाइड थी जैसे 4 डिजिट हाँ इन बिन्हीं के सम किया 2 इन बिन्हीं के सम किया 8 2-8-6 हाँ 2 11 जी टेबल नी लगे ना तो ये असो 11 से डिवाइड नो ये जो नंबर हों 11 से डिवाइड 11 से डिवाइड वो नंबर थोड़ा जैसे अल्टरनेटिव जो डिजिट हुजन उन सम कर डिफरेंस कटूँ रिजल्ट अचे 0 या मल्टीपल ऑफ 11 अचे तो वो डिजिट जो हों 11 से डिवाइड थी उन लास्ट जो चे तो अस 25 डिविजिबल ऑफ 25 डिविजिबल ऑफ 25 कि खबर पे तो 25 की टेबल लगंदी या न लगंदी 25 की टेबल के लगन के लिए करो पव लास्ट जो 2 डिजिट इन वो अचन लास्ट 2 डिजिट इज नंबर फॉर्म डिविजिबल बाय 25 मतलब द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25 मतलब कें भी नंबर के लास्ट बिन डिजिट के 25 से डिवाइड क्यों वो 25 जो डिविजिबल थी वे या 25 की मल्टीपल लगे तो वो नंबर जो हों वो डिवाइड थी कैसा 25 से जी अस दे तो 7 5 8 9 6 4 3 2 5 लास्ट ब डिजिट 25 की टेबल लगंदी हाँ लगंदी वन टाइम तो सजो नंबर 25 जो डिविजिबल थी जैसे इतने दई छे 50 लास्ट में 25 की टेबल लगंदी हाँ लगंदी तो ये सजो नंबर डिविजिबल थी कें 25 जो डिविजिबल थी
पर लास्ट में नंबर दे वो डिविजिबल थी वे कैंसा 25 सा तो वो सजो नंबर जो हों वो डिविजिबल केंो 25 जो थी ये हुई असो अज की टॉपिक जो डिपेंड कर फैक्टर्स डिविजिबिलिटी से इंशाल्लाह सुभाने जो टॉपिक्स मल्टीपल के हिसाब से अगते कंदे जन टॉपिकन में तुम्हें का भी टॉपिक क्लियर ना थी तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वह शे दोबारा रिपीट क्यों या बीहर वह तक बुधाऊँ ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो शे क्लियर हुए। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।